आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस प्रश्न में हमें क्या पूछा गया है कि जो ही चालक को पतला बनाया जाता है तो उसके प्रतिरोध का क्या होता है, हमें यहाँ पे बताना है। तो चलिए इस प्रश्न को यहाँ पे हम हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मान लो कि ये मेरे पास में एक चालक है, ठीक है, और यहाँ पे जो चालक है वो कैसा है, यहाँ पे मेरे पास में जो चालक है एक बेलनाकार चालक है। यहाँ पे मैंने इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो कैसा होगा, यहाँ पे एक वृत्तीय होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बोला है, कैसा एक बेलनाकार हमारे पास में चालक है, ठीक है, ये हमारे पास में एक चालक है। क्या चालक है? बेलनाकार चालक है। और जो चालक है उसकी लंबाई को मैंने यहाँ पे बोल रखा है कुछ एल लेंथ है, इसकी एल लंबाई है, और इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो उसको मैंने बोल दिया है ए। और जो चालक है उसके जो पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है, ठीक है, प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करती है कि इसका जो पदार्थ है वो कौन सा है, तो उसकी जो प्रतिरोधकता है उसको मैंने यहाँ पे बोल दिया है रो बोल दिया है। तो इस चालक का जो प्रतिरोध होगा, ठीक है, आर, वो किस प्रकार से संबंधित होगा, उसका जो सूत्र होता होता है रो एल बटे ए। रो क्या होता है, जिस पदार्थ से हमारे पास चालक बना होता है उसकी प्रतिरोधकता होती है, एल चालक की लंबाई, और ए क्या होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अब हमें क्या बोला गया कि जो चालक है उसको हम पतला बना देते हैं, ठीक है, तो हमने क्या किया, जो चालक है उसको ऐसे पतला बना दिया। कैसा बनाया चालक को हमने यहाँ पे, पतला बना दिया। तो चालक को जैसे हम पतला बनाएंगे तो इसका जो यहाँ पे ए है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कम कर दिया। यहाँ से अगर मैं देखूंगा जो आर है वो क्या है हमारे पास में, वन अपॉन ए के प्रोपोर्शनल है, या फिर अगर यहाँ पे क्या बोलूँ कि जो हमारे पास में जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है उसके व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, या फिर एक बटा ए के हमारे पास में क्या आर समानुपाती है। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या होगा कि अगर यहाँ पे मैं व्युत्क्रमानुपाती संबंध है तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे मैं ए को घटाऊंगा, ए को मैं क्या कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ, पतला कर रहा हूँ तार को, पतला करना मतलब क्या हो गया, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे घटा दिया। तो हमारे पास में जो प्रतिरोध होगा आर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही इस प्रश्न में हमें पूछा गया है कि जैसे मैं तार को पतला करता हूँ तो प्रतिरोध पे क्या फर्क पड़ेगा। तो तार को मैंने पतला कर दिया मतलब क्या हो गया, हमने तार का जो यहाँ पे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है ए है उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे घटा दिया, तो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि चालक तार को पतला बनाने पर इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, जो प्रतिरोध होगा उसको क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में जो यहाँ पे प्रतिरोध है उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको पतला बनाएंगे, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम हो जाएगा, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम होने से क्या हो जाएगा, जो प्रतिरोध है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही इस प्रश्न में हमें बताना था कि जो प्रतिरोध है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, जो प्रतिरोध हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चालक का हमारा बढ़ जाएगा। यही इस प्रश्न का हमारा सही हल हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।